का सारे पैसे इसके हैं, ये जो आप परतते हैं ना यूं करके। क्या बात है, क्या बात है, ओए होए। और वही मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये करने में, ये देखें। पंजाबियों का नाश्ता होवे ते नाश्ते विच परौठे ना होन, ऐ गल बनदी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्दुल रहमान संगेड़ा और आज मैं आपको एक मस्त किस्म का मलेशियन पराठा खिलाने वाला हूँ। तो चलो जी शुरू करिए फिर। तो मैं आ चुका हूँ जी मलेशियन पराठे पे। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये UMT रोड है, ये UMT है और इसके बिल्कुल सामने है जी ये मलेशियन पराठा। अस्सलाम वालेकुम फियाज भाई, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सच में मलेशियन पराठा होता है या बाकियों की तरह कर रहे हैं आप भी? ये सच में मलेशियन होता है और इसके अंदर हम बेलना इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, बेलना इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, और ये हाथ से इसको बड़ा करते हैं हम। तो वो फटता वगैरह नहीं है? नहीं, बारीक टिश्यू के जैसा बनता है। फिर अभी क्या खिला रहे हैं आप? अभी आपको खिला रहे हैं हमें अंडा चीनी वाला पराठा। अच्छा, और हमारा स्पेशल अंडा होगा? उसके अंदर अंडा होगा। नॉर्मली पाकिस्तानी पराठे के ऊपर में अंडा लगता है, हमारे पराठे के अंदर में अंडा होगा, कच्चा। अच्छा। अंडा उसके अंदर डाल के उसको बनाएंगे। चिकन चीज है हमारे पास स्पेशल। ओके। और हमारे पास एक यूनिक सी आइटम है, उसको कहते हैं रोटी टिश्यू। अच्छा, फर्स्ट टाइम टिश्यू? हाँ जी टिश्यू। हाँ जी, टिश्यू के जैसी बारीक होगी और मीठी मीठी होगी, पापड़ के जैसी। साथ में हमारी मलेशियन चाय होगी। ये हमारा मलेशियन पराठा तैयार होने लगा है। ये चिकन पहले बना रहे हैं ना आप? पहले आपको चिकन चीज खिलाएंगे। चिकन चीज तैयार होने लगा है। और अच्छा, तो ये इनकी खास बात है कि ये देखें, ये इस पे बेलना यूज नहीं करते, इसको हाथ से ही ना ये बड़ा करते हैं। और इस टाइम ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल इसको हाथ से ये बड़ा करते हैं। क्या बात, अब इसकी अच्छा हैवी। ओ वाह, चीज़ और चिकन जाएगी। अच्छा, तो पहले ये इसके अंदर जाएगी चीज़ अभी। तो अब ये चीज़ के बाद चेक करें, चिकन जा रहा है इसके ऊपर। इससे पहले इन्होंने ये चिकन का मसाला तैयार किया था और अब ये चिकन और चीज़। अब इसको बंद करेंगे हम? हाँ जी, इसको बंद करेंगे। क्या बात है, ये अब दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये आ गया। क्या बात है, ये आ गया। अब ये हमारा पराठा पर्दे में चला गया। तो ये तो कितने देर में तैयार हो जाता है तवे पे? 4 से 5 मिनट में। अच्छा, इसकी जो इन्होंने मुझे बात बताई है कि ये चीज़ चेक करें आप, ये जो वो बनता है ना, फूल जाता है, ये इनके आटे की खास बात है। ये देखें, ये हमारा अब चीनी अंडे वाला पराठा तैयार होने लगा है। ये देखें जी, ये इसमें अंडा और चीनी मिक्स है जो पहले हमने कर ली है। तने जी, क्या बात है, ओए होए। सच में मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ और मेरे ना मुंह में पानी आ रहा है इस टाइम। ज़बरदस्त, अब इसको बंद करेंगे उसी तरह जैसे मैं पहले किया था। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो ये हमारा अंडा चीनी पराठा तैयार होने के करीब है और वही मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये करने में। ये देखें, बहुत क्रिस्पी है। ये देखें, ओए ओए, क्या बात है। ओहो, ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये है जी हमारा चिकन चीज़ पराठा जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है और ये है 320 रुपये का। साथ इन्होंने हमें मायोनीज दी है, साथ इन्होंने हमें ये पुदीने वाली चटनी दी है, ठीक है। और इधर है जी हमारा ये अंडा चीनी वाला पराठा और ये 150 का है। तो पहले थोड़े आपको अंदर के सीन चेक कराते हैं। ये देखें जी, ओए होए होए, ये देखें जी, ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है ना कि नॉर्मली जब आप बाहर से पराठा खाते हैं ना तो अक्सर जो मैदा होता है या आधा आटा होता है ना वो डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन इधर ये जो इनका मटेरियल है, ये जो चीज़ है, इसका प्रॉपर फ्लेवर आपको मिलता है और फुल स्पाइसी सीन है। अब लेते हैं थोड़ा पुदीने वाली चटनी के साथ। Mm-hmm.
क्या बात है, क्या बात है। ये चीज़ आपने लाहौर में नहीं खाई होगी, ये जो पुदीने वाली चटनी है ना इनकी, ये आपकी बेजा बेजा करा देगी उस्ताद, बहुत ज़बरदस्त है। प्योर जो पुदीने की चटनी होती है ना, कोई उसमें वो नहीं है कि ऐसे नहीं लग रहा कि कोई मिलावट की हुई है, प्योर आपको पुदीने का टेस्ट आता है, फुल चीज़ी और फुल क्रिस्पी। नॉर्मली मैं चिकन पराठा बाहर से नहीं खाता, लेकिन एक ये ऐसी चीज़ है जो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा, फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया नहीं। तो अब ट्राई करते हैं अपना जी अंडा चीनी पराठा, और इसकी जो सबसे अच्छी इनके दोनों पराठों की बात लगी है ना, वो देखें फिलिंग बहुत अच्छे से हुई है, ये देख लें, ठीक है, एंड टू एंड फिलिंग होती है। अभी आपने ये सोचा है कि पराठे को पराठा क्यों कहते हैं, कैसे इसका नाम पराठा पड़ा, तो सोचना ज़रूर, ये इसको देख के ना मुझे वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। जब आप स्पाइसी खा लें उसके बाद एक अच्छी चीज़ है, आप ट्राई कर सकते हैं, और वही बात है बचपन में हम खाते होते थे, तो दिस इज़ गुड। तो इन्होंने बताया कि ये इनकी ख़ास चाय है जो कि 3 दूध से बनाई जाती है, तो चेक करते हैं कि इसमें क्या ख़ास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मिनट, ये चाय पीने से पहले ना आपने इसको अच्छे से ऐसे इसको स्मेल करना है, इसकी खुशबू को आपने ना, मतलब इसके एसेंस को एंजॉय करना है आपने पहले, और उसके बाद चाय पीनी हो। इसमें जो आपको सबसे पहला टेस्ट आता है ना, जो टच आता है, वो आता है कश्मीरी चाय का, कश्मीरी चाय का जैसे हल्का सा मतलब नमकीन सा, नमकीन नहीं होता बट वो एक टच आता है उसमें, बिल्कुल सेम टच है, बहुत फिट है। आम दूध पत्ती, आम चाय, और वो जो अक्सर दूध जो काढ़ी चाय होती है उसमें जो पत्ती का एक एक्स्ट्रा टेस्ट आ रहा होता है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, आम दूध पत्ती से आम चाय से अलग ही टेस्ट है। ये हमारा रोटी टिश्यू तैयार होने लगा है, और ये जो रोटी होती है ये टिश्यू की तरह होती है, इतनी बारीक होती है, ऐसा ही है इसलिए कहते हैं इसको रोटी टिश्यू। ओए ओए, ये जो आपका सारे पैसे इसके हैं, ये जो आप परतते हैं ना यूं करके, और कितनी बड़ी करनी है ऐसे, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये पूरे के ऊपर चीनी इस तरह फेंक दी जाती है। ओए होए होए, क्या बात है, अश्के रे अश्के। ये देखें जी, ये पकना शुरू हो गया इधर से। ओए होए होए होए, पूरे तवे जितनी ये रोटी है, और पतली है, बिल्कुल बिल्कुल पतली। इसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमने फोल्ड किया, और अब ये कोन नुमा पापड़ बन गया, ये देखें बिल्कुल। ये देखें जी, ओए होए होए होए, ये नॉर्मली खड़ा होता है लेकिन अभी थोड़ा सा तवे का मसला था। ये हमारा रोटी टिश्यू आ चुकी है, और बेसिकली ये मीठा पापड़ कह सकते हैं आप इसको, और ये 150 रुपये का है। ये बेसिकली स्नैक्स के तौर पे यूज़ होता है मलेशिया में, वो बता रहे थे, जैसे चाय के साथ आप थोड़ा थोड़ा लेते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसको मीठा पापड़ कह सकते हैं, और आप इसको स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की टॉपिंग्स भी कर सकते हैं, चॉकलेट अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। फुल क्रिस्पी सा है, ये देखें फुल क्रिस्पी सा, और ऊपर चीनी, थोड़ा आपको चूरी की याद दिलाता है, लेकिन वो उतनी क्रिस्पी नहीं होती, तो ये थोड़ी क्रिस्पी वाला सीन है, ठीक है। ये देखें क्या बात है, अच्छा है ये भी। सो नाश्ते में पराठा खाने आए थे, और अब शाम हो चुकी है, लेकिन जो इनका चिकन चीज़ पराठा था
बहुत कमाल था। और उसमें आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ की फिलिंग करवा सकते हैं, मटन की, बीफ की, कीमे की, आलू की, दाल की, जो चीज़ आपको पसंद है आप फिलिंग करवा सकते हैं। और इनके पराठे की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर फिलिंग बड़ी प्रॉपर हुई होती है, वो ये नहीं होता कि किनारों से सिर्फ डो का टेस्ट आ रहा है, आपको मटीरियल का प्रोमिनेंट टेस्ट आता है। अब बात कर लेते हैं चाय की, तो चाय में जो सबसे पहले आपको एक महक आ रही होती है ना, वो आपने महक इंजॉय करनी है, और वो ऐसे होती है जैसे सौंफ की, सौंफ वाली चाय जब आप बनाते हैं जो महक आती है ना आपको, खुशबू आती है, और उसके बाद जो टेस्ट है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो जो इनकी चाय है, जो इनका पराठा है वो हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद जो अड्डे वाला पराठा था वो भी गुड था, और एंड में मैंने रोटी टिश्यू ट्राई किया था, वो इनका तवे की वजह से थोड़ा सा इशू थे, लेकिन मेरे इसरार पे इन्होंने बना के दी। बेसिकली ये खड़ी होती है बिल्कुल इस तरह सीधी और कौन सी होती है, और उसके ऊपर चॉकलेट की, आप किसी भी कैरेमल की, किसी भी चीज़ की टॉपिंग कर सकते हैं, जिस जो चीज़ आपको पसंद है, और वो बहुत लाजवाब मीठा पापड़ बनता है। सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आ जाओ मलेशियन पराठा UMT रोड पर। अल्लाह निगहबान।